हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर कुणाल मंधानिया। एंड आज हम डील करने वाले हैं एक और केस स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसका नाम है कार्लाई वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आई रिपीट, ठीक है, केस स्टडी का नाम है कार्लाई वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। जो केस स्टडी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है व्हेन देयर इज अ जनरल ऑफर। तो सर, इस केस में क्या हुआ था, जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, उस समय ठीक है इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक चल रहा था, हमारे समान सब लोग बड़े ही डरे हुए थे उस पैंडेमिक से। कई मौतें हो रही थी, कई लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा था। ऐसे ही अपनी इस कहानी की जो किरदार है कार्लाई, एक प्यारी सी क्यूट सी और सी ठीक है लड़की, उसे भी दोस्तों बहुत डर लगता था कि उसे इन्फ्लुएंजा ना हो। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार पढ़ा, जिसमें वो जो इश्तेहार था एक कंपनी का, जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने स्मोक बॉल्स बनाया और लोगों को बोला कि जो लगातार हमने जैसा डायरेक्शंस दिया है, अगर वैसे स्मोक बॉल्स खाएगा तो उससे कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया तो कंपनी ने इनाम भी रखा यूरो 100 का, कि अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम ठीक है उसे यूरो 100 देंगे। अब कार्लाई ने भी वो न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, उसे लगा कि हाँ भाई, ये कंपनी के स्मोक बॉल्स खाएंगी तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो उसने दोस्तों वो स्मोक बॉल्स खाना शुरू कर लिया रेगुलरली एज पर डायरेक्शंस ऑफ दैट कंपनी। ओके दोस्तों, उसने रेगुलरली स्मोक बॉल्स खाए, फिर भी बिचारी को इन्फ्लुएंजा हो गया। यस, फिर भी बिचारी को इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने कंपनी के खिलाफ केस किया कि मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, जो डायरेक्शंस दिए थे मैंने उसके हिसाब से खाया स्मोक बॉल्स, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। कंपनी ने बोला, अच्छा तुमने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया था, बट तुमने हमको तो कम्युनिकेट किया ही नहीं। कंपनी ने बोला, तुमने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया था, तुमने तो हमें कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो ऑफर पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हम तुम्हें पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। बिचारी कार्लाई रोते हुए गई कोर्ट में और जज साहब को पूरी कहानी सुनाई। जज साहब ने उस दिन एक बेंचमार्क जजमेंट दिया कि कंपनी, दिस इज अ जनरल ऑफर, दिस इज अ जनरल ऑफर, जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, एनीबॉडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। तुमने क्या बोला था कि जो रेगुलरली हमारे स्मोक बॉल्स खाएंगा एज पर डायरेक्शंस, उसे कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। कार्लाई ने भी वही किया, ठीक है, जनरल ऑफर था, उसने शी एक्टेड अकॉर्डिंगली। सो क्या जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत है, दिस इज द इशू, द आंसर इज नो। इस केस से हमको समझा कि जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू कम फॉरवर्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, हम मान लेंगे कि आपने जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कंपनी को, कार्लाई को, ठीक है, वो जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था रिवॉर्ड का, वो देना पड़ेगा। ओके तो दोस्तों, दिस वॉज अ केस स्टडी कार्लाई वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ी हुई है, स्पेसिफिकली जनरल ऑफर से। ऐसे ही आपको अगर इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देखनी है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके आई होप आपको मजा आया होगा इस केस स्टडी देख के। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।